चलो चलकर देखते हैं, बाहर ही बात करेंगे, बात करते हैं, शायद वहां से टैक्सी मिल जाए। ठीक है, यहां तो एक भी टैक्सी नहीं दिख रही, खाली टैक्सी उधर है, उधर चले। हाँ हाँ चलो चलो चलो, वहीं टैक्सी मिलेगी। सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। कोलकाता में नए आए हैं क्या? नहीं मतलब चलो, समझ गई, देख कर ही समझ आता है। देख के समझ में आ जाता है? आप कोई ज्योतिषी हैं क्या? नहीं, मैं क्या हूँ वो आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। बाद में समझूंगा मतलब? मतलब धीरे धीरे, जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्या लड़की है यार। ऑटो चलो। क्या बात करती है, इसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए। चलो टैक्सी बुलाते हैं। हाँ चलो टैक्सी बुलाओ। ए, अब क्या हुआ? मेरा पर्स गायब है। तुम्हारा पर्स नहीं है? वो पॉकेट मार थी। ये क्या, पर्स भी नहीं लड़की भी नहीं। पॉकेट मार हुई तो क्या हुआ, लड़की तो टकाटक थी ना, देखने में हीरोइन लग रही थी। तुम्हें भी ऐसा मारे ना, चलो टैक्सी देखो। हाँ चलो। ए टैक्सी, उतरो उतरो। हाँ यही घर है। आइए आइए छोटे मालिक, बड़े बाबू ने कल ही बता दिया कि आज आप आ रहे हैं। ये पुराना घर देखकर आप डरिए मत, मैंने बोल के सब कुछ पूरी तरह से साफ करवा दिया है। और चाचा जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप दूर से आए हैं तो थक गए होंगे। हाँ थक तो गया हूँ, जरा वो। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। बुलबुल हुआ? क्या क्या क्या, जागते जागते सपने देख रहे हो? सपना? नहीं नहीं, सपना क्यों देखूंगा, और सपना ही क्यों होगा, वो सच भी तो हो सकता है। अरे वाह, समझ आ गया, तुम्हें लवेरिया हो गया है। हाँ चलो अंदर चलो। और चाचा बस्ती के लोगों को बता दीजिएगा कि मैं कल उनसे मिलूंगा। आते ही इतना जरूरी तलब क्यों? पता है भैया, मुझे लगता है टैक्स के बारे में छोटे बाबू कुछ बोलेंगे। हाँ वो तो हो सकता है, कुछ सालों से हमने कुछ भी दिया जो नहीं है। क्यों, श्यामा जो हमसे हर महीने पैसे लेता है वो? बेवकूफू जैसी बातें मत करो, श्यामा क्या इस जमीन का मालिक है? मालिक तो छोटे बाबू है, श्याम डरा के गुंडागर्दी करके हमसे पैसे वसूल करता है, उसके साथ उनका क्या संबंध? चुप करो छोटे बाबू, आगे। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है एक जरूरी बात करने के लिए। देखिए आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, यहाँ का ये घर और सामने वाली बस्ती तोड़कर यह एक बड़ी मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बनेगी। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द ये बस्ती खाली कर दें, और मैं आप लोगों को एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं दे सकता। नमस्ते। चुप करो, फालतू चिल्लम चिल्ली मत करो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बाजोरिया के साथ में मैंने बात कर ली है, सब कुछ फाइनल है, बस्ती तुम लोगों को खाली करना ही होगा। खाली करेंगे या नहीं ये बोलने वाला तू कौन होता है? तू उन लोगों की सिफारिश क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं है क्या? वो बाजोरिया तुम्हें कमीशन देता है ना? अबे साली, मुंह संभाल कर बात कर। अरे चाचा ये डर किसी और को दिखाना, साला हरामखोर बदमाश। गुलाब, तेरे थोपड़े का रंग बदल दूंगा। गुलाब ये तुम कैसी बातें कर रही हो, जाओ अंदर जाओ। चुप करिए पिताजी। तू मेरा थोपड़ा बिगाड़ेगा? आ बिगाड़ना, आना। बस्ती के सब लोग जानते हैं तू कैसा है, सबसे पैसा लेकर भी तेरा पेट नहीं भरता ना, इसीलिए उस बाजोरिया की दलाली करने आया है। बस्ती के लोगों को बर्बाद करके तू पैसे कमाना चाहता है, शर्म नहीं आती?
चुप हो जा साली। क्यों? मैं क्यों चुप रहूंगी? ऐसा लग रहा है जैसे सबके लिए कितना सोचता है ये, कितना अच्छा आदमी है। ए, तू इस मीटिंग में क्यों आया है? किसने बुलाया तुझे? देख, तेरी जबरदस्ती हम नहीं मानेंगे, ये हमारा मामला है, हम समझ लेंगे। तू यहाँ से निकल, चल निकल, उठ, चल निकल यहाँ से, चल। तो फिर ठीक है, लेकिन आज के दिन का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। जिस दिन ये गुलाब यहाँ नहीं रहेगी, उस दिन मैं तुम लोगों से आज का बदला लूंगा। हट साले। देखो देखो बेटी, इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। चलो एक काम करते हैं, कल सुबह छोटे मालिक से चलकर मिलते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलिए छोटे बाबू, आपके राजी होने से सब ठीक हो जाएगा। बस्ती छोड़कर हम कहाँ जाएंगे साहब? अल्लाह कसम छोटे मालिक, हमारे लिए कहीं और दूसरी जगह नहीं है। अगर यहाँ से निकाल देंगे तो बीवी बच्चों को लेकर हम रास्ते पे आ जाएंगे छोटे बाबू। आप लोग मालिक हैं, बड़े आदमी हैं, इतने से फायदे के लिए हम गरीबों का इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए छोटे बाबू। लेकिन जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, उनका कोई नुकसान हो जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, बिजनेस करने में तो मुनाफा का ध्यान रखना पड़ता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑनेस्टी। वो मैंने कभी किया भी नहीं है और करूंगा भी नहीं। आप लोग अभी जाइए, मैं जरा एक बार सोच कर देखता हूँ। जाइए। सोच ही रहे हो या कुछ सोचा भी है? क्या करूं को समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी की याद आ रही है। पिताजी हमेशा कहते हैं कि मुनाफा के साथ इंसानियत का कोई समझौता नहीं होता है। अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, क्या करूं? पिताजी को कॉल करके देखता हूं क्या कहते हैं, उसके बाद फिर। क्या कर रहा है? नीचे क्या देख रहा है? संध्या। संध्या? अभी तक दिन भी खत्म नहीं हुआ और संध्या हो गई। ये वो संध्या नहीं है गुरु, ये संध्या तो मुझे देखती ही रहती है और मुझे देखकर हंसती है और मैं भी हंसता हूँ। ओ, तो तुम भी हंस रहे हो। हंस लो, हंस लो। लेकिन एक बात याद रखना, हंसे तो फंसे। वो फंसी है कि नहीं वही तो मुझे आज देखना है। मैंने सब पता लगा लिया है। बस्ती में रहती है तो क्या हुआ, अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी भी है। आज शाम को मैं संध्या से मिलने वाला हूँ। संध्या, संध्या। आप यहाँ? आप यहाँ इस समय? और क्या, मुझे क्या कुछ समझ में नहीं आता? जब मैं तुम्हारे सामने होता था तब तुम मुझे आंख मारती थी। मैंने आपको आंख मारी? हाँ, नहीं मतलब वो आंखों ही आंखों में बात करती थी ना, और अब मुझसे भी कुछ बोलो ना, बोलो। जाइए, मैं क्या कहूँ। दो दिन के लिए आए हैं, फिर दो दिन के बाद चले जाएंगे। बस्ती की इस लड़की को आप थोड़ी ना याद रखेंगे। याद आएगी क्यों बोल रही हो संध्या? तुम ऑलरेडी मेरे मन में परमानेंटली बस गई हो संध्या, माँ काली की कसम। जाइए, ये सब बड़े आदमियों की बातें हैं। हाँ, बड़े आदमी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने क्या कुमार के साथ रहने से मुझे बड़ा आदमी समझ लिया? नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो एक गांव का बेकार लड़का हूँ, मेरे सिर पर तो रहने के लिए छत भी नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगा, समझ गई? कौन है वहाँ? बुढ़िया है। बुढ़िया मतलब? वही जो चिल्ला रही है। मेरी माँ? वो तुम्हारी माँ? सॉरी सॉरी, गलती से मैंने बुढ़िया बोल दिया था, तुम्हारी माँ तो मेरी माँ हुई। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किससे बात कर रही हो तुम? किसी से नहीं आंटी। किसी से नहीं? किसी से नहीं का क्या मतलब? आंटी कह के बुला रहा है और कह रही हो कोई नहीं है। रुको, अभी आती हूँ मैं। मर गया, तुम्हारी माँ आ रही है। सुनो, कल शाम को हम पार्क में मिलते हैं, ठीक है? वहाँ जाओगी? हाँ हाँ ठीक है, अभी जाइए। माँ ने देख लिया तो क्या?
क्या होगा, माँ देख लेगी तो। अरे बाप रे, मर गया। ये तुम्हारी माँ है? ये पहलवान तुम्हारी माँ है क्या? ये पूरी बस्ती की माँ लगती है, ये जगत जननी है। अभी मैं जाता हूँ, कल शाम को पार्क में मिलते हैं। जय माँ काली, चलता हूँ। कौन था? कौन था यहाँ पर? किसके साथ बातें कर रही थी? कौन, किसके साथ? आजकल आपको क्या हो गया है माँ? कुछ भी देखती है, कुछ भी सुनती है, आपको तो कुछ भी सुनाई देता है। क्या देखती हूँ और क्या समझती हूँ ये बाद में पता चलेगा। और एक बार बोला ना कि कोई नहीं था, तो तुम्हारा सिर काट के आज मैं धड़ से अलग कर दूंगी। मेरा नाम विमला बाला भुवन मोहिनी अवला सुंदरी दासी नहीं, समझी?